स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में। स्टूडेंट्स अगर हम सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्कस करें, सिटीज़ आर द ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी है स्टूडेंट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 11 है वो आपको सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। 31 अक्टूबर का जो डे है आप देखिए कि उसको सिटीज़ डे के रूप से डेजिग्नेट किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम इस नेटवर्क के बारे में डिस्कस करें तो 2004 के समय में यूनेस्को के द्वारा इस नेटवर्क को क्रिएट किया गया था। अल्टीमेट एम यही था कि सिटीज़ को क्रिएटिविटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है इस नेटवर्क के थ्रू में। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में 7 कैटेगरीज आपको देखने के लिए मिलता है जिसके रूप से यहाँ पे सिटीज़ का जो क्रिएटिविटी है उसके रूप से आइडेंटिफाई किया जाता है। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट का एक कैटेगरी है जिसके अंदर इंडिया का 2 सिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, जयपुर है, श्रीनगर है, इनको क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी के अंदर डेजिग्नेट किया गया है। डिज़ाइन का एक कैटेगरी है, आप देखिए कि डिज़ाइन की कैटेगरी के अंदर इंडिया का कोई भी सिटी है वो इसका पार्ट नहीं है। फिल्म का जो कैटेगरी है उसके अंदर में आप देखिए कि एक सिटी आपको देखने के लिए मिलता है, मुंबई सिटी जो है। गैस्ट्रोनॉमी जो बेसिकली आपको फूड आइटम्स के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे भी एक ही सिटी है जिसको कि हैदराबाद सिटी को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है गैस्ट्रोनॉमी के रूप से। रिसेंटली जो लिटरेचर का जो कैटेगरी है उसके अंदर एक सिटी को ऐड किया गया, तो आप देखिए कि इंडिया का जो फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वो आपको कोझिकोड जो केरल के अंदर सिचुएटेड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स जो मीडिया आर्ट का जो कैटेगरी है उसके अंदर भी इंडिया का कोई भी सिटी है वो इसका पार्ट नहीं है। और म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर में आपको इंडिया का जो 3 सिटीज हैं वो इसका पार्ट देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर बनारस है, बनारस के अलावा आप देखिए कि चेन्नई है और ग्वालियर को रिसेंटली इसके अंदर ऐड किया गया। तो स्टूडेंट्स ये जो 7 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर सिटीज़ का जो क्रिएटिविटी है उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये कैटेगरीज आपको याद होना चाहिए। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट है, डिज़ाइन का कैटेगरी के अंदर कोई भी सिटी नहीं है, मीडिया आर्ट्स के अंदर भी कोई भी सिटी नहीं है, फिल्म एंड गैस्ट्रोनॉमी के अंदर एक एक सिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, फिल्म के अंदर मुंबई है, गैस्ट्रोनॉमी के अंदर हैदराबाद है, लिटरेचर के अंदर भी एक ही सिटी है जिसको रिसेंटली ऐड किया गया है कोझिकोड जो कि केरल के अंदर है, और म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर 3 सिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया की कौन कौन सी सिटीज़ है जिसको कि इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर ऐड किया गया, 2015 के समय में आप देखिए कि बनारस को ऐड किया गया था म्यूजिक के कैटेगरी के अंदर में, जयपुर को फोक आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप से, उसके बाद में 2017 के समय चेन्नई को ऐड किया गया म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर में, 2019 के समय में आप देखिए कि मुंबई को फिल्म का कैटेगरी, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी जो कैटेगरी है उसके अंदर ऐड किया गया। 2021 के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो श्रीनगर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट का जो कैटेगरी है उसके अंदर में ऐड किया गया है। आप देखिए कि रिसेंटली 2023 के दौरान में जो ग्वालियर है जो कि तानसेन का सिटी हुआ करता था, तो ग्वालियर सिटी को ऐड किया गया है म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर में, और जो कोझिकोड का जो सिटी है जो केरल के अंदर सिचुएटेड है उसको लिटरेचर कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया। तो इंडिया का जो फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वो आपको कोझिकोड देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली एक स्टूडेंट्स एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वो कौन सा है, तो एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो आपको वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी है लिटरेचर सिटी देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि 2004 के समय में लिटरेचर का जो कैटेगरी है उसके अंदर में ऐड किया गया था यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।